सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर आप हाइपरलिंक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट आपको सिखाया था, इसका वीडियो मैंने दिया था, तब मैंने आपको सिखाया था उसमें स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हाइपरलिंक और ये जो एमएस वर्ड और एक्सेल जो पावर पॉइंट, ये तीन सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो चलिए आज मैं फिर से एक बार जो आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे इनका उपयोग जो है अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद कोई भी फाइल एक होना चाहिए जो आपने कंप्यूटर में बना रखा हो। अब देखिए हाइपरलिंक होता कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा दूँ। होम है यहाँ पे, उसके बाद इंसर्ट है, तो इंसर्ट में जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिंक का ब्लॉक्स है, लिंक्स ब्लॉक, इसके अंदर देखेंगे आप हाइपरलिंक है, बुकमार्क है और क्रॉस रेफरेंस है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से तीन तरह के ये ऑप्शन जो टूल्स है ये दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइपरलिंक को। तो देखिए हाइपरलिंक का सबसे पहले मतलब जानिए कि हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है। हाइपरलिंक का मतलब इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अ पिक्चर, एन ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। यानी कि हाइपरलिंक का उपयोग करके आप किसी भी वेब पेज या फिर किसी भी पिक्चर या एड्रेस का एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लिंक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है तो आप सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज सीखा है कहीं पे और कुछ आपको इंटरनेट पे चाहिए उसके बारे में, तो आप इंटरनेट पे जाके लिखते हैं कंप्यूटर नोट्स या कंप्यूटर का सैम्पल पेपर। तो जैसे ही आप कोई भी चीज़ लिख के सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ हेडिंग आते हैं। जैसे वहाँ पे लिख किया जाता है कंप्यूटर सैम्पल पेपर डाउनलोड 2017-18-19, यानी कि इस तरह से। तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने खुल जाता है। तो वो होता कहाँ है, वो एक सर्वर पे होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे होता है वो फाइल, और वो फाइल कंप्यूटर पर से आपके पास इंटरनेट पे खुल के आता है। तो कहने का मतलब है कि हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है कि वो फाइल आपने यहाँ पे नहीं रखा है, फाइल कहीं और है, लेकिन उसका नाम और उसका लिंक लगा देंगे तो उस पर एक ऐसा पावर बन जाएगा कि जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा तो फाइल अपने आप खुल जाएगा, चाहे वो फाइल कहीं भी कितनों भी अंदर फोल्डर के अंदर क्यों ना रखा हो। क्योंकि देखिए जब भी आपको ज़रूरत होगा तो फाइल खोजने तो नहीं जाएंगे ना कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फाइल रखे हैं आपने, और कोई फाइल आपको बिल्कुल जो है एकदम से एक या दो मिनट के अंदर खोजना है उसको जल्दी से, और उसमें जो काम करने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि 2 या 3 लाख फाइल है आपके कंप्यूटर में तो आप उन सब में आप बैठ के ढूंढेंगे कि ये फाइल कहाँ पे है। तो उसका एक जगह लिंक लगा लेते हैं लोग और वहाँ पे क्लिक करके उस फाइल को तुरंत खोल लेते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब है कि फाइल वो कहीं भी रखा हो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी, और उसका लिंक जो है यहाँ पे क्लिक करके आप जो है खोल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पॉपअप विंडो खुल गया। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंसर्ट हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक यहाँ पे लगाने के लिए ऑप्शन मिला है आपको, देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो फाइल आपने पहले से बना रखा है कहीं पे सेव कर रखा है, फाइल है कंप्यूटर के अंदर, उसका लिंक लगा सकते हैं। दूसरा है दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट का लगाना है, या फिर क्रिएट करना है नया डॉक्यूमेंट, या फिर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगा कि आप यहाँ से सिंपल जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए पहले, और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि फ़ाइल आपने कहाँ रखा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने जो फाइल रखा है वो मैं रखा हूँ यहाँ पे मैंने रखा है ड्राइव में, ठीक है। किस ड्राइव में रखा है, मैंने रखा है डी में। ये देखिए यहाँ पे डी ड्राइव आ गया, लोकल डी, इस पर क्लिक कीजिए तो ये ड्राइव खुल गया। अब ड्राइव खुल गया, अब ड्राइव के अंदर देखिए कौन सा फाइल है, यानी कि फाइल होना चाहिए, फोल्डर नहीं होना चाहिए, फाइल। तो देखिए मैंने फाइल जो रखा है वो देखिए इस तरह का यहाँ पर कोर्स का कुछ नाम आ रहा है यहाँ पर, तो फाइल मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। देखिए जैसे ये एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड 2007 नोट्स, एमएस वर्ड का नोट्स के बारे में इसके अंदर। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ ओके कर दीजिए। जब आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिंक जो है आ गया लग के। अब इस लिंक को ओपन कैसे करेंगे, देखिए सिंपल तो आप इंटरनेट पर सिर्फ माउस से क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसे काम नहीं करेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको कंट्रोल के साथ, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखिए, उसके बाद माउस ले जाके इस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यस कीजिए। जब आप यस करेंगे तो फाइल खुल जाएगा, देखिए ये फाइल खुल के आ गया। कभी कभी क्या होता है ये फाइल नीचे खुल जाते हैं, यहाँ पे जो है
टास्क बार में खुल जाता है पर आपके सामने स्क्रीन पे नहीं आता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कई बार लोगों को ध्यान नहीं होता है तो वो सोचते हैं अरे फाइल मेरे सामने खुल के क्यों नहीं आया, तो खुल के वो नीचे आ जाता है यहाँ पर टास्क बार में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर टास्क बार में अभी कई फाइल खुले हुए हैं, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये नोट्स जो है आ गया। तो इस तरह से आप जो है लिंक लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे लिंक जो मैंने लगाया उस लिंक में क्या आ रहा है, देखिए एमएस वर्ड 2007 notes.docx, ठीक docx है, तो ये एक्सटेंशन नेम आ गया इसका। अब यहाँ पे ये इतना लंबा नाम जो आ रहा है, इस नाम को भी आप बदल सकते हैं। वो नाम कब बदलेंगे, जब आप लिंक लगाते हैं फाइल के अंदर उसी समय बदलने का आपको एक मौका दिया जाता है। तो चलिए वो मौका दिखाता हूँ कैसे होता है। तो चलिए मैं एंटर करके नीचे चले जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर जो है मैं नीचे जो है यहाँ पर लगाऊँगा आप। ठीक है, तो एक बार फिर से चलते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे फाइल चुनिए कि फाइल आपने कहाँ रखा। फाइल मैंने रखा है इसमें, या डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप चुन लीजिए आप। तो मैंने इसके अंदर रखा है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाइए तो इसके अंदर फाइल मिल गया मुझे, यहाँ पर मिल गया। अब देखिए इसका नाम जो है इतना लंबा यहाँ पर ऊपर आ रहा है, अब ऊपर जो ये नाम आ रहा है इसको आप बदल सकते हैं। बदलेंगे कैसे, यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए ये फाइल है। ठीक है, ये हमने फाइल पहले सेलेक्ट कीजिए, फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर जो है इस नाम को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे नाम आप लिखिए। तो मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नोट्स, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके कीजिए, तो देखिए जो आपने वहाँ पर लिखा था नाम वही नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस नाम पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर यानी कि वो फाइल जो है खुलेगा। तो खुलेगा कैसे, उसके लिए कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए इस पर, तो वो देखिए खुल के आ गया इस तरह का। तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं। चलिए एक और मैं टेस्टिंग कराता हूँ यहाँ पे कि क्या फोल्डर जो है हम हाइपरलिंक में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और सब कुछ यहाँ पर लाइव देखिए कि हो सकता है या नहीं। तो जैसे देख लीजिए ये है लाइट सूट और ओके कर दिया मैंने, तो देखिए ये आ गया। अब जैसे ही आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, येस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये फोल्डर भी खुल जाएगा। तो कोई भी चीज़ हो, फोल्डर हो, फाइल हो या ईमेल हो, ईमेल एड्रेस हो, ईमेल भेजना हो, उसका जो है लिंक आप इस तरह से हाइपरलिंक में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि वो फाइल हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे है, वो चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसे हमने डाउन किया और यहाँ पे कंप्यूटर ओपन करके देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगा कंप्यूटर के अंदर, देखिए यहाँ पर ये डी ड्राइव है, इसके अंदर वो फाइल पड़ा हुआ है और इस फाइल को मैंने यहाँ पर आपको हाइपरलिंक में यूज़ करके दिखा दिया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ एक्सेल में कि एक्सेल में हाइपरलिंक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे, इसे भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब एक्सेल के अंदर भी यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप जो हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है लिंक्स, तो इसमें यूज़ करने के लिए जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस सेल के अंदर यहाँ पर लिंक जो है यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल जो है क्लिक कीजिए और देखिए ये सेल जो है सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि फ़ाइल आपको कहाँ से उठाना है। तो देखिए फाइल मुझे उठाना है कहाँ से, जैसे मान लीजिए मुझे डी ड्राइव से फाइल उठाना है, डी ड्राइव में मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर मैं देख लेता हूँ फाइल कोई सा भी लगा सकते। देखिए एक्सेल के अंदर ये नहीं है कि एक्सेल के अंदर सिर्फ एक्सेल का ही फाइल का हम जो है हाइपरलिंक में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप कोई भी फाइल का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फाइल को या वीडियो को, किसी भी चीज़ को। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एमएस वर्ड का, जैसे ये एमएस वर्ड का एक फाइल है, ठीक, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का नाम जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप आ गया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप तो वो ओपन होगा, ठीक है, देखिए इस तरह का नाम यहाँ पर जो इस तरह का लग के आ गया है। तो इस तरह से आप जो है हाइपरलिंक का यूज़ जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी इसे खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ लोग जब क्लिक करते हैं तो फाइल नहीं खुलता, उसका सबसे बड़ा रीज़न बता दूँ क्या होता है, गलती कहाँ कर देते हैं वो। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जो यहाँ पे लगाया है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करके और आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दूँ। होम में जाके मैंने यहाँ पर बॉर्डर कर दिया है, लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने जब बॉर्डर किया है तो ये सेल, एक सेल में हमने नाम लिखा था लेकिन ये नाम एक सेल से निकल के कई सेल में चले गए। तो आप जब कंट्रोल दबाते हैं तो कंट्रोल दबा के यहाँ लास्ट में क्लिक करते हैं, यहाँ लास्ट में क्लिक मत कीजिए, आप क्लिक करने के लिए यहाँ पे शुरू में आइए। शुरू में जब कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर लाइन पर, ये जो लाइन ब्लू बन जाता है नीचे इस पर,
तब जाके ये जो है उंगली का निशान इस तरह का बन के आएगा, और जब आप क्लिक करेंगे इस पे तो देखिए ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और इसमें जो है एक्शन में कंट्रोल बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना कंट्रोल दबाए ही ये आ जाता है। तो इसमें जो है कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप बिना कंट्रोल दबाए जो है खोल सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि एक्सेल में जो है हाइपरलिंक का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे उपयोग करें हाइपरलिंक का। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हाइपरलिंक का उपयोग करना बहुत आसान है। उसके लिए पावर पॉइंट को ओपन कीजिए, पावर पॉइंट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर मुझे हाइपरलिंक लगाना है, तो यहाँ पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद इंसर्ट में जाइए और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक है और एक्शन है। तो लिंक्स ब्लॉक के अंदर हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद फिर इसमें वही प्रोसेस आपको करना है। पहले जो है यहाँ पे क्लिक करके आपको डेस्टिनेशन चुनना है कि फ़ाइल कहाँ पे रखा है आपने। तो फाइल मैंने रखा है इसके अंदर, इस ड्राइव के अंदर। और कौन सा फाइल है, तो देखिए फाइल जो है ये एक फ़ाइल है, ठीक है, ये नोटपैड का एक फ़ाइल है। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट्स, ठीक है। और उसके बाद ओके करता हूँ मैं। तो देखिए ये जो है इस तरह का यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिंक जो है लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक का उपयोग करना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे जो है आसानी से सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मुझसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पर जुड़ सकते हैं। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।